कई कई उपाधियां बाबा ने उनको दी है, लेखक है, राइटर है, गायक है, भागवत आचार्य जी हैं, कंपोजर है और एक बहुत अच्छे इंसान भी है। एक बार तालियां बजाइए आदरणीय बड़े भैया, बड़े भैया किसको मिला है? बोले खाटू नरेश लखदार की। हेलो हेलो। और थोड़ा थोड़ा आप गुनगुनाते रहे। हेलो हेलो। मुझे लगता है कि आप बोलते हैं, मुझे पता लगे कि आप गाते भी हो। और ऐसी कृपा सब पर रहे, ऐसी करुणा इसकी, ऐसी इच्छा है कि जैसा ये चाहिए वैसा सुन ले इसकी इच्छा। बाबा कुछ चरणों में चले, एक जयकार लगो, बोलो हरे हरे की। देखो जयकार थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, अगर ये आपकी जोर की जयकार है तो बड़ी कमजोर की जयकार है। एक लगाओ जरा जयकार। बोलो बाबा करो हरवा।
आई अच्छा खाटू कितने लोग हैं खाटू जो खाटू गए वहां बढ़ाओ बाबा की स्तुति कितनों को आती हाथ जोड़ विनती करूं तो बाकी का सेल्फी खींचने जाते हो खाटू में अगर तोरण द्वार पर सेल्फी और वीडियो बननी बंद हो जाए तो 90% भरत कम हो जाएंगे बोलो हरे अपन 10% होते जो सिर्फ दर्शन करने जाते हैं बाकी तो आ गया हमें दुनियादारी फलाना छोड़ के ठिकाना छोड़ के रील बनाई निकले वापस तोरण द्वार से वापस आ जाते हैं लोग क्या करना है लाइक आ गए बहुत बाबा आए नहीं आए क्या दिक्कत है बोलो हरे के अमल कर रही है हाथ जोड़ विनती करो सोने और चित्त लगाए दास आ गयो शरण में रखियो भाई धन ढूंढो देश है और नगर सुजा कल राजा कोई और था सदा एक सा समय नहीं रहता जीवन का जो अपने जीवन में गैंगस्टर बने फिरते हैं ना 40-50 साल बाद हाथ जुड़ जाते हैं फिर वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं बोले सच्चे दरबार की क्योंकि जान तो रहती नहीं फिर पहचान जा मारती है बोले खाटू नरेश की फिर सारे संत महात्मा बन जाते हैं कि तो हिमालय चले जाते हैं पता ना भी मिल जाएगा कुछ प्रसाद बोलो हरे सुनो कल राजा कोई और था कल होगा कोई और सदा एक के शीश पे हर पल रहा सदा कोई एक का समय नहीं रहता बोले सच्चे आएगा अच्छा वृंदावन कितने लोग हैं वृंदावन एक छोटी सी हाजिर गणपति महाराज के चरणों में लगे कहना शुभ हरि लाभ बोले वाले चलो सुश्री हरि लाभ बोले वाले गण ससी को मना लो बोलो बोलो शुभ और शुभ और अपन को लाभ लाभ चाहिए लेकिन पहले शुभ आना चाहिए ना बुरा हाथ उठाओ एक बार अशोक जी कहाँ गए यहीं बैठे हो देखो जितने हाथ उठाए तो वो खुश है आपसे और जितने नहीं उठाए वो जलते हैं तुम्हारे साथ बोले सच्चे दरबार हाँ बुरे हाथ एक बार जो नहीं गा रहा हाथ उठाओ जो गा रहा हाथ उठाओ एक दो बजाओ ताली जोरदार लड्डू पेड़ा भोग लगा
लड्डू पेड़ा मोके लगाओ, लड्डू पेड़ा। जब तक एक एक बंदा नहीं गाएगा तब तक यही भोग लगाता रहूंगा। लड्डू पेड़ा मोके लगाओ, लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा, लड्डू पेड़ा। किसने गाया? हमको तो आसरा है, हमको तो छाया ना, वो धूप में खड़ा कर रखा।
बोले कार्टून नरेश की, तो कहने लगा प्रभु हम तुम्हारे यहाँ सर्दी
सरदे के होते हैं सौरे, यहाँ सरदे के होते हैं सौरे। आशिकी इतनी सस्ती कहीं है, ये तो मैया चला ले। पैसे भी मुझे नहीं दिए कि रोक ना ले, उसको देख रहे गली। बोले सच्चे दरबार की एक बार दौड़ ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, उठाना पूरे हाथ। मुरली हरा अपने भक्तों के हाथ हाथ बांधा शाम।
कितना हुआ है, चाहे छोटा बड़ा कितनों के हुआ है, हुआ है ना? आपको तो घर पे रहते हैं बाबा, कितनों के घर पे कीर्तन हुआ है? हाथ उठाओ, उठा लो उठा लो, अच्छी चीज है, अच्छी बात होना चाहिए। कितनों के नहीं हुआ, अर्जी लगाओ एक बार कि हमारे घर पे भी हो। लगाते हो अर्जी? कितने चाहते हैं कि बाबा का कीर्तन हमारे घर पे? पूरे हाथ उठाओ और बोलो, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर पूजा होती है, घर घर पूजा होती है, घर घर कीर्तन होते हैं, घर घर कीर्तन होते हैं, तीनों के तेरे दर्शन होते हैं, अहो भाग तीनों के तेरे दर्शन होते हैं। इस गांव में ये पहला कीर्तन है, पहला है। बताओ मुंडी तो मिलाओ, 2.5 किलो का सिर हिला लेते, 250 ग्राम की जुबान नहीं हिला। बताओ पहला है अशोक जी, पहला है बाबा का कीर्तन, पहला है। अगर पहली पहली बार बाबा को ऐसे घुसू घुसू भेज दोगे तो कैसे अच्छा लगेगा बताओ? खुश करके भेजोगे ना इसको, तो खुशी सिर्फ एक ही चीज से होता है, भजन सुनाने से। बोले सच्चे, बोलो शीश के दादी खाटो वाले शाम। देखो आपके घर पे कोई मेहमान है पहली बार और आप उससे बोलो ही ना, अगली बार आएगा, आएगा बोलो, नहीं आएगा ना तो कौन कौन चाहता है कि बाबा अगली बार ना आए, और कौन कौन चाहता है कि बाबा बार बार आए? पक्की बात आएगा। शीश के दानी महामारी खाटो वाले बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो।
शीश के महाभारत के पल के ही पल के अब लग रहे पूरे भारत में द मैचिंग कुर्ता पहन लेता बोले खाटू नरेश की मैचिंग हो जाएगा ना लख दादा की क्या गा रहे थे हम पलके ही पलके शाम प्यारे घर आएंगे क्यों हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने रे हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने रे हम तो हैं और जब बाबा आएंगे तो क्या करोगे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आए जिस दिन शाम कौन कौन स्वागत करेगा बाबा आए हाथ उठाओ सोचकर देखो माँ बाप के दरवाजे पर खड़े हैं आपने गेट खोला और बाबा के स्वागत में क्या क्या करोगे पूरे हाथ उठाना एक बार मैं एक एक करके बताऊंगा जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे पलके पलके घर आएंगे इधर वाले हो आचारे आचारे किसको बुला रहे हो बाबा आचारे अशोक जी ने बुलाई नहीं बुलाई नहीं पता लेकिन बाबा बिना बुलाए भी आ जाते क्या करोगे अचानक से आएंगे तो गंगा जल की धारी प्रभु के चरण पधारो गंगा जल की धारी प्रभु के मोहन प्रेम सुधा बरसा दे इसके दरबार में आए ये मांग लिया वो मांग लिया इसने दे दिया तो वो प्रेम नहीं हुआ वो रिझाना थोड़ी हुआ वो तो सौदा हो गया कि तूने दिया हमने लिया बात खत्म अगली बार नहीं देगा तो अगला दरवाजा देखेंगे प्यार क्या होता है लव इज नॉट गेटिंग समथिंग इट्स ओनली गिविंग समथिंग आप दे दो कुछ नछावर कर दो ताली बजाओ अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे जन्म जन्म की मेली चादर जीवन को जीवन बनाए जिस दिन शाम प्यारे घर हो जिस दिन बोले खाटू नरेश की लख दादार की छोटा पिल्लू आइए अच्छा कितने प्रेमी खाटू है तेरा
फोन हो गया, आवाज आ गई थी। I'm
थोड़ी छोड़ जाओ नाचना पड़ेगा इधर आओ आप इधर नाचना नहीं आता मन कौन सा गाना हुआ इधर आओ यही खड़े रहो आएगा शाम बाबा को श्रृंगार इमारत भले पुरानी है नहीं आज ही मजबूत है इनका टक्कर नहीं करेगा कोई मुझे लग रहा है बोलो अच्छा सासुमा है अरे अरे दादा सासुमा है आप इनके पक्की बात पक्के वाले आएगा शाम बाबा को Yeah.
Thank you.
निशान है, पूरे हाथ उठाकर बताइए, एक दो तीन चार।
शर्मा निवास, गुप्ता निवास, फलाना निवास, लेकिन अंदर से घर किसका है? कहने को तो मुरली वाले सारा घर मेरा होगा, छोटे से घर में मेरा तेरा होगा, छोटे से घर में एक कमरा बाबा का मैं देख के आया हूँ अभी। और उस कमरे में क्या होगा, क्या करोगे? चोर चलेगी, चोर चले, चोर चलेगी तुम्हें तेरी मैं तो भजन सुनाऊंगा। कौन सुनाएगा भजन बाबा को? मेरो राधा रमण के राधा, मेरे भाई श्याम जगन्नाथ, जिसको नहीं नाचना बैठो, जरा बैठो, बैठो सब बैठो, आप खड़े रहो, कहाँ बैठ रहे? दूल्हा तो पूरे बराबर खड़ा रहता है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक गाँव उसके बाद बैठो 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 सच्चे दरबार की। और सुनो, कह कर देश जब होगा मेरा तेरी जोत मनमोहन तेरी प्यारी सूरत को मैं रोज सजाऊंगा, मनमोहन तेरी सूरत को मैं रोज सजाऊंगा, उस घर की मैं ईद पर नाम तेरा लिखवाऊंगा, उस घर की मैं ईद पर नाम तेरा लिखवाऊंगा। फिर भी नहीं समझ आया तो? जिस दिन है मुरली वाले मैं अपना घर बनवाऊंगा, जिस दिन है मुरली वाले मैं अपना घर बनवाऊंगा, उस घर की मैं ईद पर नाम तेरा लिखवाऊंगा, उस घर की मैं ईद पर नाम तेरा लिखवाऊंगा। बोले शाम तारे की लखना तार की हरे के सहारे की दर हो, मैं जो दर पे आया हूँ तो मर्जी आपकी होगी, तुमने शायद बाबा मेरी अर्जी पढ़ी होगी, यूं ही आया नहीं मुझको तुमने बुलाया, यूं ही आया नहीं। किसको किसको बाबा ने बुलाया, किसको किसको बुलाया? पक्की बात कहना बाबा, मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हो, पराया नहीं हो, तुमने बुलाया ही मुझको, तुमने बुलाया आया नहीं। लाला थोड़ा पानी पी लो भैया, पानी पानी आएगा। किसको किसको बाबा ने बुलाया पूरे हाथ उठाओ, तुमने बुलाया योगी आया नहीं, तुमने बुलाया योगी आया नहीं, मैं आपका कोई पराया नहीं हो, पराया नहीं हो, तुमने बुलाया योगी आया नहीं, तुमने बुलाया योगी आया। बोले शाम प्यारे की Oh, 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 oh,
संगीत दिल समाया नहीं हो समाया नहीं हो तुमने बुलाया यो ही ओ तुमने बुलाया यो ही मुझको क्या देना है ये तूने सोच लिया होगा मुझको क्या देना है ये तूने सोच लिया होगा यहाँ आपकी चलती मेरे कहने से क्या होगा यहाँ आपकी चलती मेरे कहने से क्या होगा। एक प्रेमी ने कहा तो क्या लाया बाबा के लिए, मैंने कहा कुछ नहीं लाया। बोले क्यों नहीं लाया, मैंने कहा मांगने हो आया कुछ भी लाया नहीं हो लाया तुमने बुलाया यो ही तुमने बुलाया यो ही आया नहीं हो आया नहीं हो आया नहीं हो। आएगा जान को सुनाऊं पक्की बात। बात उस समय की है जब रावण माँ जानकी का अपहरण करके अपनी लंका में ले आया। क्या करके लाया, अपहरण करके। सारे देवताओं ने रावण को समझाया कि माँ जानकी को वापस कर दो, लेकिन रावण करने वाला नहीं था क्योंकि रावण तो रावण सच्चे दरबार की खाटू नरेश की जान की। तू भी सुनाना है, बोले सच्चे दरबार की दूसरा भी सुनाना है। आइएगा बोले हरे के। सारे देवताओं ने रावण को समझाया कि माँ जानकी को वापस कर दो, लेकिन रावण समझने वाला नहीं था। सारे देवता समझा समझा कर चले गए, लेकिन एक देवता ने रावण को नहीं समझाया। किसने, बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने टेंशन नहीं ली इसको समझाने की। क्यों, क्योंकि शंकर भगवान के चेले हैं रावण, और गुरु को पता होता है चेला कैसा है। समझने वाला, समझने वाला, समझने वाला। एक बार एक गुरुजी कथा में प्रवचन कर रहे थे, दो घनानंद नायच, इसका अर्थ बाद में बताऊंगा। गुरुजी श्लोक बोले दो गधा नंदन आय च। एक चेला बार बार आए, बोले गुरुजी ये दो गधा कौन है। क्या बोले गुरुजी, तो बोले दो गधा नंदन आय च। चेला बोला गुरुजी ये दो गधा कौन है जिसकी रोज बात करते हो। गुरु बोले टाइम आने पर बताओ आजकल के चेले कैसे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा देखकर आप, बाहर बारिश हो रही है। चेले ने कहा हाँ गुरुजी अभी देखकर आता हूँ। चेला ठहरा मेरे जैसा आलसी। गुरुजी अभी अभी बिल्ली बाहर से आई है, मैंने हाथ फेर कर देखा है गीली नहीं है, इसका मतलब बारिश। गुरुजी बोले ठीक है, चेला भी मेरा है। अगले दिन गुरुजी ने कहा चल बेटा मेरे लिए नहाने का पानी भर दे। गुरुजी ठंडा रखू या गर्म, बोले जैसा तेरा मन करे। नहीं नहीं गुरुजी जैसा आप बोलो। गुरुजी बोले जो ठंडा रख दो। ठंडा रखा गुरुजी, जग में रखो, बाल्टी में रखो, गिलास में रखो, कटोरी में कि चम्मच में। गुरुजी बोले जरा सारी बातें छोड़, आज मैं तुझे बताता हूँ वो दो गधा कौन थे। हाँ गुरुजी बताओ। बोले वो दो गधा एक तू एक, बोले सच्चे दरबार की खाटू नरेश की, और दो गधा नंदन आय चा का मतलब क्या होता है कि भागवत एक गाय है और इसको गुरु और संत मिलकर दोहते हैं, इसका जो दूध प्रदान होता है वो भक्तों को वितरित किया जाता है। बोले खाटू। अब गुरु को पता होता है चेला कैसा है। शंकर भगवान ने टेंशन नहीं ली समझाने की। सारे देवता समझाकर चले गए, फिर उसको समझाने आए उसकी घरवाली, जिसके समझाने बड़े 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 समझ जाते हैं। बोले सच्चे सच्चे। एक बार एक घरवाली कहने लगी क्या कह रहे हो। अगर घरवाली आपको ये बोल दे ना क्या कह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने सुना नहीं है। इसका मतलब ये होता है उसने सुन तो लिया है, लेकिन आप अपना बयान बदल सकते हो। भी बोले खाटू नरेश की। अब घरवाली ने समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं समझा। पूरे इतिहास में एक ही आदमी ऐसा हो जिसने अपनी घरवाली की नहीं सुनी, तब उसका सत्या। बोले खाटू
अब कहानियां मार रहे होंगे अपने अपने वाले को, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? बोलो हरे के ऐसा ही होता है। बोले सच्चे मंदोदरी रावण को समझा रही है, रावण उल्टा मंदोदरी को समझाने लगा और क्या कहने लगा, सुनो सुनो। जाने की बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। भजन किसने किसने सुनाई है? मनेनगढ़ वाले होंगे आप पक्का। बोले खाटू नरेश की, मनेनगढ़ में पढ़ायो। बोले सच्चे दरबार की, बोले हारे के, बोले हारे के आएगा। जानकी मैं ना तो जान, जानकी जानकी मैं ना तो जान, मैंने बाजी लगाई है जानकी, ये जो मैया घुटने पकड़ कर बैठी है, हंस रही है, जिसको ये ध्यान रखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो गेट पर बैठो, ख्याल रखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पहले बजाओ अब रावण कहने लगा मुझको चिंता नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जान की, चुरा लाया हूँ राम की जान की। मंदोदरी पहले तो मैं जान जान वापस कर भी देता लेकिन अब नहीं करूंगा, क्यों? अब मेरा नुकसान हो गया, तेरा बेटा मरा मेरी लंका जली, कितनों ने रामायण देखी है? रामायण वो बिना मूछ के हनुमान वाली नहीं, जो पहले आती थी वो वाली, पहले वाली देखी है ना? कितनों ने देखी है? हाथ उठाओ। एक एक दो क्योंकि राम जी ने उनकी बहन का अपमान किया था, लेकिन नहीं, रावण कहने लगा मैंने अपमान क्यों किया, सुनो क्यों किया। मेरे महलों की रानी बने जाने की, महलों की रानी बने जाने की, तेरे संग में बैठाऊं मैं जाने की, मंदोदरी हे मंदोदरी मेरे
मन में उसी दिन बसी जान के जब साया पर देखी थी जानकी अब बताओ कितनों ने रामायण देखी है पहले वाली रामायण देखिए ना पुराने वाली देखिए जब राम जी को गंगा पार करनी थी तब केवट को आवाज मारी कि प्रभु मुझे पार करोगे जाना किसको है पार किसको जाना है राम जी को और करेगा कौन केवट इसलिए राम जी ने हाथ जोड़े हमें जाना होता है तो हाथ हमें जोड़ने पड़ते हैं लेकिन आजकल उल्टा है कलयुग में ऑटो वाले ने कहीं नहीं जाना होता जाना हमने होता है लेकिन चलेगा ऐसा बोलते हैं हम लेकिन राम जी ने बड़े हाथ जोड़कर बोला प्रभु क्या आप मुझे गंगा पार करा दोगे केवट ने बोला प्रभु बैठो कहीं नहीं कराएंगे बैठो लेकिन राम जी ने कहा कि मेरे पास किराया नहीं है बाहर जाने का उधर जाने का पार राम जी का चेहरा मायूस देखा तो उनकी घरवाली सीता मैया अपनी अंगूठी निकाली और केवट के हाथ पर रख दी ऐसी कथा चल रही थी एक पूरी कथा में ऐसे निकम्मे लोग बैठे थे ताली नहीं बजा रहे थे हाँ तुमको थोड़ी कह रहा हूं कथा की बात बता रहा हूं अपने पर ले गए क्या कह तो तुम्हें राधा वैसे ना सच्चे दरबार की ताली बजाओ कहीं पे निगाहे कहीं पे हाँ सारा बता रहा ताली बजाओ राम जी ने कहा कि मेरे पास किराया नहीं है सीता मैया ने अंगूठी निकाली हाथ पर रखी इसको लो और पार कराओ केवट ने वापस कर दी मैया आपसे किराया लेके मरना है हम तो स्टाफ के लोग हैं आपसे क्या किराया लेने जैसे रोडवेज में रोडवेज वालों का किराया नहीं लगता और रेलवे में रेलवे वालों का नहीं लगता तो आपसे क्या किराया लेना फिर कथा फिर शुरू हुई निकम्मे फिर चुप हो गए बोलो सच्चे दरबार की बजाओ जोरदार कि प्रभु आप और हम दोनों साथ के लोग हैं एक ही काम करते हैं आपसे क्या किराया लो राम जी ने कहा एक ही काम कैसे करते हैं प्रभु सुनो मैं गंगा पार कराता हूँ और आप हम सागर पार कराते हो सच्चे दरबार की राम जी ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा कहने लगा प्रभु एक चीज देना इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले सुनो क्या कहा कि आज आप मेरे दरबार आए हो मैं आपको पार लगा रहा हूँ जब मरने के बाद मैं आपके द्वार आऊंगा आप मुझे पार कर देना बस इतनी कृपा सच्चे दरबार की इसलिए पूरे हाथ उठा लो और बोलो पार होगा वही जिसे पकड़े मेरा मैं हमेशा कहता हूं ना इंस्टाग्राम चलाते हो आप लोग चलाते हो ना इंस्टाग्राम कितने लोग चलाते हैं आप तो चलाते हो कितने लोग चलाते हैं हाथ उड़ाओ पूरे हाथ उड़ाओ पूरे पूरा चलाते हो ना स्टोरी देखे थोड़ी बंद कर देते हो उसमें एक चीज देखना जब आप अपनी कोई स्टोरी डालो कोई रील डालो तो उसपे व्यूज बहुत आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते ना आधे भी नहीं होते तो इसका मतलब क्या है कि लोग आपको देखना तो पसंद करते हैं लेकिन आपको पसंद सच्चे दरबार की घाटू नरेश की
हक नादार की, हारे के सहारे की। आपको एक बात और बताऊं, एक फोन में एक फीचर होता है, उसको बोलते हैं कॉपी। कॉपी, जोर से बोलो कॉपी। इसका आविष्कार पता है कहां हुआ था, जानते हो? नहीं जानते? ताली बजाओ। इसका आविष्कार इंडिया में हुआ था, भारत में, और किया था हमारी माताओं बहनों ने। माताएं बहनें ऊपर वाले होंठ पर लिपस्टिक लगाती हैं, दो बार यूं करती हैं और हो जाते हैं कॉपी पेस्ट। बोलो सच्चे दरबार की, अब भूलोगे तो नहीं? बोलो हारे के, हारे के। अब बोलो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना, जोरदार, और तुम्हारे ही भरोसे पर जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। श्याम प्यारे की, और एक बार जोरदार तालियां श्री श्याम एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए, है ना? श्री श्याम मीडिया एंटरटेनमेंट। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल? कितनों ने कर रखा है? थोड़ा बस, इतनों ने कर रखा है, इतनों ने कर रखा है। अभी 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 अगर आप अभी कर सकते हो तो अभी करना, फिर यह सारे भजन आपको उस चैनल पर मिलेंगे, जितने भी आप सुन रहे हो। आपके थोबड़े भी दिखेंगे उसमें, थोड़े थोड़े। हाँ सच में दिखेंगे, दिखेंगे ना, दिखेंगे ना, इनके थोबड़े दिखेंगे ना। वो हाँ बोल रहे हैं, बोलो सच्चे लूले पे चढ़ के, जो घोड़े पे चढ़ के, लूले पे चढ़ के, जो घोड़े पे चढ़ के, आयोला बलियो सरकार लीला सा, आयो सावलियो सरकार। कौन कौन स्वागत करेगा, कौन कौन करेगा? हाथ उठा लो। मुछारी मरोड के स्वरूप है निराड़ो, मुछारी मरोड स्वरूप निराड़ो, भूलने वाला आज हमारा सब ना उठालो, भूलने वाला आज हमारा खुशी लीला। कौन है? बाबा श्याम का घोड़ा, उसका नाम लीला है। लीले की तप 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 धड़के, लीले की तप 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 धड़के, लियो सरकार करी जाती है। बोलो सच्चे, एक बार सर थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाओ, हल्की हल्की धमाल करेंगे, मीठा मीठा नाचेंगे, मैं सिखाऊंगा। आओ आओ, तुम्हारा लीला के, तुम्हारा लीला के,
क्या कह रहे थे Chandra.
ओहो तो टाइम खराब, मेरा तो सोमा गया। आप 100 रुपए ले रही थी, एक भी नहीं है। बना लो ना किसी, कितनी खड़ी थी ये कोशिश करी और आप भागे नहीं। बोले खाटू नरेश की।